आज मैं ऐसी मिठाई बनाने जा रही हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। और ये मिठाई बनता है जो घर में घी बनाता है ना, तो वो घी बनाने के बाद, घी छानने के बाद जो रहता है उसको खाकी बोलते हैं, तो उससे मिठाई बनेगा आज। तो ये मैंने घी पूरा छान लिए हैं, और घी छानने के बाद ये जो अवशिष्ट है इसको खाकी भी बोलते हैं, इसको फेंकिए मत, इससे बहुत ज़बरदस्त मिठाई बनते हैं। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये खाकी में हम एक अंडा फोड़ेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। ये स्वाद के अनुसार ही आप डालिए, फिर इसको आप अच्छे से फेंट लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप उबला हुआ दूध, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। गैस को चालू कर दिए हैं और गैस में हम इसको कुक कर लेंगे। इस तरह घुमाते रहिए। ये वाली मिठाई घर पे आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। अब इसको घुमाते रहिए, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। इसको तब तक पकाइए जब तक ये जो दूध है पूरी तरह सूख ना जाए। ये देखिए दोस्तों, ये दूध पूरा सूख गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 इलायची। और 1 पिंच फूड कलर हम डाल रहे हैं, ऑप्शनल है। कलर डालने के बाद मैंने इसको 1 मिनट तक कुक कर लिए हैं। अब ये रेडी हो चुका है, आइए हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बादाम के छोटे छोटे स्लाइस से गार्निश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जबरदस्त मीठा बनके रेडी हो चुका है। आप इसको रोटी पराठा के साथ खा सकते हो, और घर पर जरूर इसको ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।